हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड जो आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि व्हेन एंड हाउ विल योर विश कम ट्रू, कि आपकी क्या विशेस है और ये कब तक खत्म होंगी, कब तक पूरी होंगी आपकी जो भी विश है, एंड कैसे होगा, क्या होगा, कब तक होगा, वी विल सी ऑल ऑफ दैट। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो। सो इट इज गोइंग टू बी अ टू पाइल रीडिंग। आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी फाइल आपको सबसे ज्यादा रेसोनेट करती है। प्लीज पिक अप अ पाइल विच रेसोनेट्स द मोस्ट टू यू। ओके, सो अब आपने पाइल अपनी सिलेक्ट कर ली है। सो लेट्स सी कि आपकी क्या विश है और ये कब तक पूरी होगी एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन विल सी इन डिटेल। एंड इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। आप जब भी आपकी ये रीडिंग आप देखते हैं, इट अप्लाइज टू यू। देयर इज नो पर्टिकुलर टाइम फॉर दिस रीडिंग। ओके, सो ये पाइल वन वालों के लिए है, जिन्होंने भी पाइल वन सिलेक्ट किया है। दिस इज अ रीडिंग फॉर यू कि आपकी विश है बहुत टाइम से कि आप यू नो यू रीच अ लेवल। मैं पहले आपका करियर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या चाहते हैं। आपके ड्रीम्स है कि आप एक लेवल पे पहुंचे, आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी होना स्टार्ट हो जाए जो लेकिन जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। सो यू वॉन्ट समथिंग लाइक मिराकुलस थिंग हैपनिंग टू यू, कुछ मैजिक हो जाए, कुछ बड़ी चीज़ ऐसी हो जाए जो आपकी लाइफ पूरी बदल के रख दे। तो ये आप चाहते हैं बहुत टाइम से एंड ये आपकी विश रही है एंड आप पूरी तरह से मेहनत भी करते हैं इसके लिए। आई अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेहनत नहीं करते, बट जितनी आप करते हैं उससे ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा, उससे ज़्यादा आपकी विश है। योर अनदर विश इज़ कि आप एक ब्यूटिफुल रिलेशनशिप में रहे, एक ब्यूटिफुल फैमिली, एक ब्यूटिफुल नो आपका वाइब हो और सब कुछ हो। सो वो भी आप बहुत टाइम से चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो सी दैट लाइक यू नो समवन वांट्स टू टेक एडवांसमेंट्स इन द स्पिरिचुअल जर्नी ऑल्सो। आप चाहते हैं कि स्पिरिचुअली भी आप ग्रो हो और लाइक यू एक्सपेक्टिंग सम गुड न्यूज, लाइक यू इधर इन स्पिरिचुअलिटी और इन योर रिलेशनशिप स्टेटस और इन योर करियर बहुत टाइम से। ठीक है, यू वॉन्ट आपकी लाइफ एक पूरी तरह से एक बदलाव आए आपकी लाइफ में। That has been your wish, that has been your dream, that has been your desire from really long time and you have been waiting for it from quite some time. कि ऐसा कुछ हो जाए कि जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए और कुछ नया कुछ हो जाए लाइफ में जो सोच भी नहीं सकते थे हम और जो लगा भी नहीं था कि ये हमारे लिए पॉसिबल है। सो दिस हैज बीन योर विश एंड डिजायर। सो ये आप बहुत टाइम से सोचते आ रहे हो कि ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं, ऐसे मेरे लाइफ में कुछ पॉसिबिलिटी है कि नहीं, एंड डू आई रियली डिजर्व इट और नॉट। तो ये सब आपकी जो एक डिजर्व करते हैं कि नहीं करते और होगा कि नहीं होगा, तो ये बहुत टाइम से आपके माइंड में क्वेश्चन चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि लेकिन कि ये चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती, आपको पता है कि थोड़े आप रीजनेबल नहीं है इन दीज थॉट्स एंड विशेज, बट दैट्स फाइन। आपको हर एक चीज में रीजनेबल होने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी यू कैन बी अनरीजनेबल ऑल्सो एंड यू कैन स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छा हो, ऐसा वैसा कुछ हो जाए तो अच्छा हो। तो ये आपकी जो विशेज है ये होंगी कि नहीं पूरी या क्या होगा वो हम देख लेते हैं। बट ओवरऑल मैं ये वही बोलना चाह रही हूँ कि आपकी ये सारी विशेज है और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा कुछ हो जाए जो आपके लिए बेटर हो और आपके लाइफ के लिए बेटर हो। लेट्स सी कि यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं आपके ये विशेज के लिए, आपकी ये लाइफ के लिए, कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है और इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड सी द यूनिवर्स इज सेइंग, आई एम अ स्पिरिट हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड आई एम हियर टू गेट क्लोजर टू लव। ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप एक स्पिरिट है, यू आर जस्ट लाइक अ सोल इन दिस जर्नी और आपको बस एक्सपीरियंसेस लेने हैं। जो भी हो रहा है वो होने दीजिए। आप विशेस कीजिए, डेफिनेटली आप विशेस कीजिए, आप एक्सपेक्टेशंस रखिए लाइफ से डेफिनेटली, बट साथ साथ में इस जर्नी का, इस एक्सपीरियंस के मज़े भी लीजिए।
डोंट लाइक यू नो जस्ट गिव अप ऑन लाइफ एंड स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं यार कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये तो गलत ही है, वो सही नहीं है, तो वो करके आप गिव अप मत कीजिए अपने लाइफ पे। एक्सपेक्टेशंस रखने के बाद भी आप खुश रह सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग थिंग्स विच कैन रियली मेक यू हैप्पी। तो यू जस्ट हैव टू गेट क्लोजर टू द पीपल यू लव एंड गिव देम टाइम एंड अटेंशन एंड इट विल डेफिनेटली बी गुड फॉर यू। आपके लिए लव कार्ड क्या बोलते हैं, लेट्स हैव अ लुक। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो अगर आप आपके लव आपके पार्टनर से कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, ठीक है, कि आप लव लाइफ में आगे बढ़े या आपके लव लाइफ में कुछ हो, सो उनका यही बोलना है आपके पार्टनर का आपके लिए कि आप खुद के अंदर झांक के देखिए, आई एम ऑलरेडी देयर, द लव इज टू डीप बिटवीन अस एंड नो वन कैन टेक और मेक एनी चेंजेस टू इट, वी आर टूगेदर इन इट एंड वी आर टू मच इन लव एंड वी विल बी देयर फॉर ईच अदर नो मैटर वॉट। ठीक है, सो आपकी लव लाइफ में आपकी जो एनर्जीज है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट दैट समटाइम्स इट डज अफेक्ट योर थिंकिंग ऑल्सो। तो आप बहुत ज़्यादा सोचिएगा मत कि मुझे करना है कि नहीं करना है, मेरे साथ ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। जितना ज़्यादा हम सोचते हैं हम अपने नेगेटिव एनर्जीज उसके साथ ज़्यादा लगा देते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव रहकर ही चलें कि कोई बात नहीं, इफ़ इट्स नॉट हैपनिंग मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम एंड व्हेन द राइट टाइम विल कम इट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन इट्स ओन, तो हमें यही सोच के चलना है। लेट्स सी हमारे एंजल कार्ड्स क्या बोलते हैं आपके लिए। जो एक सर्टेन विश है जो एक आपको बहुत ज़्यादा आई थिंक आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं, दैट वन विश यू हैव टू लेट गो बिकॉज द एंजल्स आर सेइंग कि जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं ओवर एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं उसे, वो शायद आपको उस हिसाब से ना मिले जैसा आपको चाहिए, तो वो आपको शायद थोड़ा गिव अप करना पड़े, बट वेन द टाइम विल बी राइट इट विल कम बैक टू यू एंड यू कैन स्टार्ट एंड वर्किंग ऑन इट एंड बिल्ड अप। वो विश के हिसाब से अब आपकी लाइफ बिल्डअप कीजिए। अभी आई थिंक इट इज़ टू प्री मेच्योर एंड टू मच इन द इनिशियल फेज कि आपको जैसे चाहिए वैसा मिले, बट येस लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, स्पिरिचुअल जर्नी में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बट दिस पर्टिकुलर विश दैट यू वॉन्ट इट इज टू लाइक प्री मेच्योर टू गेट टू द स्टेज एंड लेवल जो आप चाह रहे हैं। So they are saying just let go for now and when the time is right it will be working in your favor और आपके हिसाब से ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, so this was pile one, okay, let's move on to pile two कि अगर आपने pile two select की है तो आपके लिए क्या reading है and what the card says for you if you have selected pile two। पाइल टू आपके लिए रीडिंग ये है कि फाइनेंशियली आप एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंचना चाह रहे हैं, आपको बहुत आप एग्रेसिवली इस चीज़ को पुश भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग योर टैक्टिक्स लाइक यू नो गुड बैड एवरी वे आप चाह रहे हैं कि मॉनिटरली आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाए कि जहाँ पे नो वन कैन टच यू एंड यू आर लाइक द रिचेस्ट पर्सन। तो ये चीज़ आप बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से आपको लाइफ में सेटल होना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ अचीव करना है, यू पुशिंग एग्रेसिवली टुवर्ड्स इट। आप दिल जान दिन रात लगा दे रहे हैं इस चीज़ के पीछे कि दैट यू वांट टू प्रूव व्हाट यू आर, यू वांट टू शो द वर्ल्ड कि आप में क्या पोटेंशियल है, यू वांट टू शो एवरीवन कि आपका वर्थ क्या है। सो आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ये चीज़ करने में और पीपल थिंक दैट यू नो यू आर गोइंग वे टू मच, आप बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नो विद इन योर सेल्फ कि आपकी एक विश है कि आपको खुद को प्रूव करना है, यू वॉन्ट टू मेक दैट मनी, यू वॉन्ट टू रीच अ लेवल वेयर आपको जो भी आपके विशेज हो, जो भी आपके डिज़ायर्स हो, आप खुद पूरा कर सकें एंड आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो ये आपकी जो एक इच्छा है इसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, यू आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स, यू आर हेल्पिंग अदर्स, you are doing everything possible that comes your way to make this thing possible for you and for your family। to ab ye puri tarah se soch rahe hain ki mujhe ek level pe pahunchna hai no matter what it takes, how much time it takes,
आई हैव टू रीच टू दैट लेवल फाइनेंशियली, आई हैव टू बी स्टेबल, आई हैव टू कीप माई सेल्फ, मेक माई सेल्फ वेरी स्ट्रांग इन अ वे वेर नो वन कैन कैन से और डू एनी थिंग अगेंस्ट मी. ठीक है, तो ये चीज़ आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत पूरी तरह से आप मेहनत कर रहे हैं इसको करने के लिए. तो लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ टू से कि आपकी एनर्जीज कैसी है इसमें एंड क्या रहेगा आपके लिए. आई रिकग्नाइज दैट आई हैव चूजन फियर एंड आई चूज अगेन, आई चूज लव. यानी आपके अंदर एक डर भी है कि वॉट इफ आई फेल, वॉट इफ इट डजेंट हैपन द वे आई वॉन्ट, वॉट इफ पीपल डोंट रिकग्नाइज माई पोटेंशियल, वॉट इफ जो मैंने टारगेट सेट किए खुद के लिए वो मैं ना अचीव कर पाऊँ. तो ये सब एक डर है आपके अंदर, बट सेल्फ लव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज. एंड यूनिवर्स की एनर्जी से आपको यही बोलना चाह रही है कि खुद को प्यार कीजिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, आप कर सकते हैं. और बहुत ज़्यादा मेहनत की बात मेहनत है, बट बहुत ज़्यादा ये दूर की बात नहीं होगी कि जब आपको सक्सेस मिल जाएगा एंड यू विल वंडर कि इतनी छोटी सी तो बात थी, ये तो मैं बहुत पहले अचीव कर पाई, लाइक आई हैव डन इट, बट व्हाई डिड आई वेस्ट सो मच टाइम, व्हाई डिड आई वरी सो मच. तो ये चीज़ होंगी आपके साथ, आप बस थोड़ा इसमें रिलैक्स होकर थोड़ा इसको टाइम दीजिए एंड इट विल वर्क आउट फॉर यू. ठीक है, लेट्स सी व्हाट द लव कार्ड सेज फॉर यू. आपकी जो अगर लव रिलेशनशिप की आपकी कोई विश है तो सेज एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू विल फाइंड द मिसिंग पीसेस. यानी आपके लाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप इशू है और आपकी विश है कि आप और आपके पार्टनर में रिलेशनशिप ठीक हो जाए, तो यही बोल रहे हैं कि हग ईच अदर, स्पेंड टाइम विथ ईच अदर एंड थ्रू ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के भरोसे, एक दूसरे के लिए आप वो मिसिंग पीसेस फाइंड करेंगे जो आपकी लाइफ में मिसिंग है. शायद आप मिस कर रहे हैं कंपैटिबिलिटी, शायद आप मिस कर रहे हैं प्यार, शायद आप मिस कर रहे हैं एक भरोसा, एक पीस एक रिलेशनशिप में जो होता है, एक हैप्पीनेस, वो सब आपको ये रिलेशनशिप के थ्रू मिलेगा. जस्ट बी देयर फॉर ईच अदर, जस्ट होल्ड ईच अदर टाइट एंड गिव ईच अदर द लव एंड द बॉन्ड दैट अब दोनों को चाहिए. ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर लव कार्ड सेज. लेट्स सी कि एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं अबाउट योर विश, कि क्या होने वाला है आपकी विश का. इट सेज नो नीड टू वरी, इट सेज नो नीड टू वरी, आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है और आपका काम बहुत जल्दी होने वाला है. सो डू नॉट वरी, डू नॉट स्ट्रेस आउट, आप के साथ जो आपको चाहिए वो चीज़ हो जाएगी और आप बहुत जल्दी इसमें एक हैप्पीनेस और एक खुशी जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाली है बहुत ही जल्दी. सो जस्ट गिव सम मोर टाइम टू इट एंड जाइए इसमें, गो विद द फ्लो एंड थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू वेरी सून एंड इन अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव वे. ठीक है, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर टुडे कि आपकी विश क्या है और कब और कैसे पूरी होगी. सो होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा है एंड इफ यू कुड रेसोनेट विद द रीडिंग प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी रीडिंग. अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं रीडिंग लेके आऊँ या कुछ बनाऊँ आपके लिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक दैट फॉर यू. सो प्लीज टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो माई इंस्टा पेज टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स. एंड अगर आप मुझसे रीडिंग चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, देन वी कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट फॉर द रीडिंग. सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ब्लेस्ड डे, टेक केयर, बाय.